दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा पिज्जा। पिज्जा सुन के तो आपका मुंह में भी पानी आ गया होगा, जैसे कि हर बच्चा से लेकर बड़ा आदमी का भी मुंह में पानी आ जाता। तो आज हम बचे हुए आटा से बनाएंगे पिज्जा, चूल्हे को ओवन बनाएंगे। चूल्हा जो हमारा है ना, आप लोग देखते हैं, तो उसको पहले ओवन बनाएंगे, फिर जो आटा बचा हुआ है उसका हम पिज्जा बनाएंगे। जैसे कि हम लोग रोटियां बनाते हैं ना, तो कभी ना कभी इतना आटा बच ही जाता है। तो आजकल फ्रिज आ गया है हमारे घर में, तो उसी में रख दिए थे इतना आटा, और उसी आटा से चल रही हूँ पिज्जा बनाने। तो आप सोच रहे होंगे क्या है, तो ये कोयला है, लकड़ी का कोयला। जो हम लोग लकड़ी जलाते हैं ना, तो कभी कभी बच जाता है तो उसको रख देते हैं। तो चूल्हा पहले से जल रहा था, इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा अभी आग जली रहा है, तो इसमें ये रख देंगे लकड़ी को और ऊपर से डालेंगे कोयला। तो ये देखिए इतना आटा बचा हुआ था, मैं भी फ्रिज में रखी हूँ, इसको 10 मिनट पहले ही निकाल दी हूँ कि ठंडा हो जाए, मतलब गर्म हो जाए, ठंडा नहीं। तो इस तरीके से एक बड़ा सा लोई बना लेती हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के। इसको बेल लेंगे। तो देखिए कितना आग पूरा लाफ मार रहा है, देख रहे हैं कोयला जल गया है। तवा चूल्हे पर रख देते हैं। तो बेलने के बाद इसको हम तवा पर डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से तवा पर डाल दें। और ये कांटा वाला चम्मच लिए हैं दोस्तों, इससे ना इसमें छेद कर देते हैं कि जो रोटी है फूलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे जब बच्चे आए थे दिल्ली से ना, तो शिमला मिर्च लेके आए थे। देखिए ये लाल शिमला मिर्च है, ये पीला वाला है, और थोड़ा सा हाफ प्याज ली हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा शिमला मिर्च है ये हरा वाला। तो अगर ये दोनों नहीं है तो एक से भी बन जाता है। तो हमारे पास था, अब खत्म हो गया, अब नहीं है। फिर बेटा आएगा तो बोलूँगी तो ले आएगा, ठीक है। और साथ में ये मोजरेला चीज अमेजोन से मंगाए थे, तो इसको भी हम आज पिज्जा बना के खाएंगे। तो अभी हाल ही में हमारे हस्बैंड जी पिज्जा बनाए थे, तो उसको मतलब बच्चे खाएं और थोड़ा सा मैं भी खाई, बड़ा मज़ा आया। तो फिर मैं सोची कि घर में आटा बचा हुआ है, इसी का आज बना के खाती हूँ। तो मतलब बाहर जाके पिज्जा खाने से तो अच्छा है कि आप अपने घर में बना लें, चाहे गेहूं के आटा का हो चाहे मैदा का हो, और अपने देखरेख में बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा, और अपने पूरे फैमिली जैसे बच्चों के साथ खाएंगे तो मज़ा ही मज़ा है। तो बाहर से ना खा के घर में खाएं। तो हमारा जब भी मन करता है ना, अब बच्चे कब बनता है हमारे घर में पिज्जा, मैं बता रही हूँ, जब बच्चे जाते हैं दिल्ली फिर आएंगे ना, तो ले आएंगे चीज़ शिमला मिर्च वगैरह, बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरफ से ना जो पिछला साइड है उस तरफ से हम कम ही सेकेंगे, ठीक है, और ये जो निचला साइड है उधर से ज़्यादा सेकेंगे। तो देखिए पीछे साइड से ना बहुत ही अच्छा हम सेक लिए हैं, अब हम जिस साइड से नहीं सेके थे उधर पलट देंगे। इधर हमारे पति देव जी पिज्ज़ा सॉस बनाए थे। पिज्ज़ा सॉस अगर आपके पास ना हो तो क्या करें, रेड केचप में ना एरिगोनो और चिली फ्लेक्स मिला दीजिए, है, और बेजिल है तो बेजिल भी डाल दीजिए, ठीक है। आ नहीं तो पिज्ज़ा वाला भैया के पास कभी गए हैं और पिज्ज़ा खाए हैं तो वहाँ पर मिलता है एक्स्ट्रा, तो दो चार पैकेट ले आइए घर हमारे जैसे, और फिर गांव में ले आके बनाइए। तो देखिए ये पिज्ज़ा सॉस है, कुछ भी नहीं है, अगर चिली फ्लेक्स नहीं है और ओरिगानो और बेजिल, क्या बोलते हैं हमको नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, लेकिन समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ है, एरिगोनो तो वही कुल मिला के। तो कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, एरिगोनो और चिली फ्लेक्स और ये सब मत डालिए, सिर्फ लाल टमाटो केचप धर के रोटी पर चपट लीजिए, तरीके से लगा लीजिए पूरे में, एकदम डराना नहीं है आपको, पूरे में अच्छे से लगा दीजिए, डरिएगा मत, आप ही का पिज्जा है, कोनो डोमिनोज वाला भैया, जो डोमिनोज वाला भैया है ना का याद करेंगे हमको, हम डोमिनोज वाला भैया कही हन कि का पिज्जा बनाई कहना गोल जी हाउ दी हाउ।
अगर ज्यादा चीज है आपके पास तो एक बार यहाँ पे ग्रेट कर ले चीज को, और नहीं तो मेरे जैसा सब मिला लीजिए, मिला के धर के डाल दीजिए। ये देखिए, अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं डोमिनोज वाले भैया, तो हमको काम पे रख लीजिएगा। काम पे नहीं रखिएगा तो बता दीजिएगा, हम आपके पास डिलीवर करेंगे चूल्हा पे पिज्जा बना बना के, और फिर हमारा पिज्जा को हमारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। अब हम चीज को भाई बिना मुंह माया के चीज को घिस लेते हैं। वैसे चीज घिसने में हमको थोड़ा माया आता है, दया के कारण मैं ज़्यादा चीज नहीं घिस पाती हूँ। हमारे पति देव जैसे बोलते हैं कि चीज हो गया चाहे घी हो गया, इतना कंजूसी करती है ये, तो आज कंजूसी नहीं करूँगी, आज दिल खोल के पिज्जा बनाएंगे। भाई मेरे पति बोल रहे हैं कि घिस नहीं रही है, हाँ अचानक गुस्सा आ गया दोस्तों। ये देखिए, मैं सारा चीज़ आज घिस डालूँगी, हम बचा कर रखते हैं कि कभी और मन करेगा तो किसी दिन खाऊंगी। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं और डालो, तब जाके मज़ा आएगा। तो पूरा चीज़ हम घिस लिए हैं दोस्तों, अब इसको फटाक से कर ढक देते हैं, फिर भी इतना बचा लिए। अब ओवन पे छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, लेकिन 5 मिनट में चेक करेंगे नीचे से कि जल तो नहीं रहा है। हाँ, तो अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो क्या करें कि फ्लेम को ना बिल्कुल लो रखें, जीरो पे, और फिर उसके बाद इस तरीके से चीज़ वीज घिस के मतलब बनाइए पिज्जा घर पे, एकदम मज़ा आ जाएगा, डोमिनोज जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। देखूँ या ना देखूँ, अरे वाह, चीज़ देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ मेल्ट हो गया है दोस्तों, ये देख रहे हैं। और इस तरीके से हम थोड़ा सा उठा के देखेंगे तो अभी बिल्कुल नहीं जल रहा है, अब बढ़िया सिक गया है हमारा। तो पिज्जा बेस जो हमारा है ना बिल्कुल नहीं जला है, एकदम बढ़िया है। तो फटाक से कर 2-3 मिनट और छोड़ते हैं इसी पे, और उसके बाद कटिंग करके सर्व करते हैं। कौन कौन पिज्जा खाएगा जल्दी से आ जाइए। तो पिज्जा के मुँह दिखाई लगी, पिज्जा दिखाई, हाँ दिखावा, दिखाई दिखावा। पिज्जा जबरदस्त बना है भाई लोग, जल्दी से आ जाइए लोग, ये देखिए पिज्जा। अब भी पिज्जा के भाई कट होगा, कट होगा, कैसे कट करी हो सकी, चल काटिए देता नहीं, यह का याद रखी है और के तब काट लेती हूँ, क्योंकि भाई गरम बा, बड़ के काटी के छोट बड़ का तो, हाँ कितना बढ़िया लोग, कितना मुंह में से पानी पानी चुवाता है, मुंह में से पानी चुवाता है, अरे वाह, तो हमरो मुंह से पानी चुवाता, पहले कराए काट ली तो थोड़ा काटिएगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगा। तो दोस्तों चाकू से कट नहीं रहा था, चाकू से कट नहीं रहा था, ये वाला गणासी लाना पड़ा, गणासी से इसको पीस पीस बना दी हूँ, मछली के पीस जैसे। और अब ये देख लीजिए पिज्जा का रंगत कैसा है, पीछे से जला नहीं है लेकिन थोड़ा सख्त हो गया है। चलो भाई खा लो बाबू लोग, ए जी खा के अपनी पार्टी में ना ले जाइए, बरा भोले कुछ भी होके ना, है चाहे गणासी से काटे चाहे खुरपी से ना, आओ सब बैठो 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 खा लो, आओ नंबर में आओगे तभी मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा, नंबर में आओ आओ, हाँ हमारे पेट भर गया ना, ना लो हमारा पिज्जा एक बार चख लो, डोमिनोज जाना भूल जाओगे, जो ही बात है। हाँ अब तो खाना पड़ेगा भाई, खाने की जगह हथौड़ी जाएगा, नहीं काम नहीं है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए भी, डोमिनोज जाना भूल जाइएगा ये पिज्जा खा के, कौन बतना जो नीचे गिर जला भगवान के होला, चूम के खा ले जला। अब सब कोई खा के बताइए कैसा लागत हमारे पिज्जा, मोर्चा नहीं खे, मोर्चा ना हो, मोर्चा ना हो, मीठ लगी, मीठ लगी, मीठ लागे ला, मैं चीनी डाल ले बनी, मीठ का मर्चा देख खा के देख बनी मीठ मीठ लगे थे,
मीठ दाग दे तीतना दाग दे मीठ दाग दे लागत न हेंग हती हेंग खाई जा हेंग देख रहे हैं हमारे गांव के बच्चे देखिए जो बच्चे हैं ना पिज्जा ये लोग नहीं खाए कभी ना जैसे कि हम भी नहीं खाए पिज्जा कभी उतना तो पता नहीं है तो सबसे पहले टॉपिंग में खा जा रहे हैं टॉपिंग में खा जा रहे हैं गांव में उतना अब पिज्जा आ गया है गांव का नज़दीकी जो बाज़ार है ना उसमें बिक रहा है लेकिन बच्चों को नहीं पता है उतना ये नहीं पता तो सही है पिज्जा विदेशे में रहे इंडिया में लेकिन आ चुका है लेकिन सभी को पसंद है तो हम भी खा लेते हैं पसंद लगा था बहुत अच्छा क्या तो अभी हेंगा सब हेंग खाई जाला देखो हेंगा पकड़ जाला है जेंगो हमने के मोटका रोटी है ना खाली सर रोज दिन को शाम के खाली लपट ठंडा नहीं खिलावा खाली लपट ठंडा भाई हमारे दोस्तों को तो बहुत पसंद आया यकीन मानिए दोस्तों पिज्जा तो सबका फेवरेट है ही लेकिन हमको भी नहीं पता था जब फर्स्ट टाइम खाने गए थे ना तो सोचे कि इतना बड़ा रोटी दे दिया है भैया उसको खाएं कैसे जब हम फर्स्ट टाइम खाने गए थे ना तो सोचे कि पिज्जा वाला भैया इतना बड़ा दे दिया था इतना बड़ा उसको खाएं कैसे पहले बार में सोचना पड़ता है तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये पिज्जा बनाने का तरीका बता दीजिएगा थोड़ा सा मैं रियल बात बता रही हूँ देखिए मजाक तो चलता रहता है आप लोगों को तो पता ही है थोड़ा सा इसका जो ये जो बेस है ना इसमें खाने वाला सोडा 2 पिंच होना चाहिए तो थोड़ा सॉफ्ट होगा नहीं तो बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच एक अगर डो बना रहे हैं तो होना चाहिए तो पिज्जा आप लोग एंजॉय किए होंगे खूब हमको पता है और आपको पिज्जा खाना पसंद है कि नहीं बताइएगा हमको तो बहुत पसंद है केकरा केकरा पिज्जा पसंद बा अरे वाह तो अब हमारे बिहार में भी पिज्जा आ चुका है ठीक है तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो के साथ जब तक के लिए एंजॉय करें आप लोग भी घर पे पिज्जा बनाएं फुल एंजॉय करें।